वेल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। दोस्तों, सलीम मर्चेंट के साथ पवनदीप राजन का एक नया गाना आ रहा है जो कि शिवरात्रि के दिन रिलीज होगा। इधर पवनदीप राजन अपनी बहन की शादी निपटा चुके हैं, अब उनकी रिसेप्शन की तैयारी चल रही है जो उनके सिस्टर के घर पे होगी। लेकिन दोस्तों, इस बीच में पवनदीप राजन और अंकिता कांजीलाल के बारे में एक नई खबर लेकर आया हूँ जो उनकी माता जी ने पवनदीप राजन और अंकिता कांजीलाल के बारे में कहा है। क्या है वो खबर, मैं आपको वीडियो के आखिर तक जरूर बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पवनदीप राजन की बहन की शादी में अंकिता कांजीलाल पहुंची और बहुत धूमधाम हुआ। और अंकिता कांजीलाल ने दोस्तों बहुत मजे भी लिए। कल भी उनका एक वीडियो निकल कर आया था जिसमें वो लोग काफी फन करते दिख रहे थे। आपको मैं कुछ वीडियोज एंड फोटोज दिखाता हूँ दोस्तों, इंजॉय करिए। दोस्तों, शादी के माहौल पे जब अंकिता कांजीलाल पहुंची तो शादी की बात उठी रही थी, तो फिर अंकिता कांजीलाल के बारे में भी पूछा गया। दोस्तों, जब पवनदीप राजन की मम्मी से शादी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे घर की ये पहली शादी है, पहले ये तो ठीक ठाक से निपट जाए और आई होप कि एक साल के अंदर पवनदीप राजन के बारे में भी सोचेंगे। तो उनसे जब पूछा गया तो पवनदीप राजन के बारे में आप क्या सोचते हैं उनके दुल्हन के बारे में, तो उन्होंने बताया कि पवनदीप राजन की जो पसंद होगी हम उनकी शादी उसी से करवाएंगे। तो उन्होंने कहा कि क्या अंकिता कांजीलाल हो सकती है, तो पवनदीप राजन की मां ने कहा कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि पवनदीप राजन होंगे, जो उन्हें अच्छा लगेगा हम उनकी शादी उसी से करवाएंगे। तो दोस्तों, एक संकेत है कि पवनदीप राजन की शादी आने वाले दिनों में अंकिता कांजीलाल से जल्दी हो जाए और जैसी होगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, अपडेट देंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, धन्यवाद।